हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पैसा ऐसी चीज़ है जिसके पास होता है उसे इसकी वैल्यू नहीं समझ आती, बस वो और करके मरता जाता है। लेकिन जिसके पास नहीं होता वो दिन रात इसको कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के रखते हैं। और धनवान बनने के लिए धन कमाना कितना ज़रूरी है उतना ही धन बचाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ओर अगर आप पैसा कमाते जाएँ दूसरी ओर पैसा उड़ाते जाएँ तो कभी भी आपके पास धन नहीं रहेगा, धन की बरकत नहीं रह पाती। और तब अगर आपको लगता है कि आपके भी जीवन में धन बहुत आता है लेकिन आप बचा कर नहीं रख पाते, या फिर आकस्मिक खर्च आकर के बजट बिगड़ जाता है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप पूजा पाठ के उपाय करके हार चुके हैं तो एक बार वास्तु की ओर आपको ज़रूर देखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे सामान्य से उपाय बताए गए हैं जिनको आजमाने से आकस्मिक खर्चों में कमी आती है, घर में बचत बढ़ता है, यानी कि बरकत बढ़ जाती है। वास्तु शास्त्र में हम मानते हैं कि जिस घर में भी वास्तु का दोष होता है उस घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी जरूर बनी रहती है। और वास्तु विज्ञानियों की माने तो इसके कारण घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत, आय आदि सभी चीज़ों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो यदि आपके भी जीवन में वास्तु दोष के कारण आपको लगता है कि परेशानियां आ रही है तो आपको छोटे छोटे रेक्टिफिकेशंस करने चाहिए। एक बार नजर अपने घर की ओर जरूर दौड़ानी चाहिए। आज हम धन की बात करें इसलिए सबसे पहले धन रखने का स्थान हम बात करेंगे। धन रखने की दिशा कौन सी होनी चाहिए ताकि धन में वृद्धि हो, बचत के लिए कौन सी दिशा में पैसा रखना ज्यादा सही होता है। लोग अक्सर तिजोरी में धन रहते हैं या छोटी सी कैश बॉक्स होती है या अलमारी है जिसमें भी धन रखते हैं, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए दक्षिण की दीवार से सटाकर इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुले। पूरब की दिशा होने से अलमारी का मुंह होने पर भी धन में वृद्धि होती है, लेकिन उत्तर दिशा सबसे उत्तम मानी गई है। अगर आपके घर पे धन का आगमन नहीं होता, धन पानी की तरह बह जाता है, तो एक बार आपको अपने घर के पानी पे भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो नल को बदलें। अगर नल से कोई पानी टपकता है तो वास्तु शास्त्र में आर्थिक नुकसान का बहुत बड़ा कारण माना गया है नल का टपकना, जिसे बहुत से लोग अनदेखा कर जाते हैं। यही सोचते हैं थोड़ा सा तो पानी जा रहा है बूंद बूंद करके। दोस्तों जब बूंद बूंद करके घड़ा भरता है तो बूंद बूंद करके टंकियाँ भी खाली हो सकती है, आपके धन का जो भी स्टोर है वो भी खाली हो सकता है। इसलिए वास्तु के नियम के अनुसार नल से पानी का टपकते रहना धीरे धीरे धन के खर्च होने के संकेत बताता है। इसलिए अगर आपके घर में नल में खराबी आ जाए तो उसे तुरंत बदलवाना चाहिए। साथ ही साथ जल के निकासी का भी ध्यान रखना चाहिए। जल का निकासी, बहुत से लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके घर का पानी किस दिशा में निकल रहा है। वास्तु विज्ञान के अनुसार क्योंकि जहाँ पे भी भाड़े में लिया, रेंट पे लिया, तो वो क्या है, जिधर भी निकले अपने को क्या मतलब, अपने घर से पूरा पानी पास हो जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखते हैं। वास्तु विज्ञान में हम क्या मानते हैं, जल की निकासी हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है, और जिसके घर में जल की निकासी दक्षिण में या पश्चिम दिशा में होती, किस दिशा में निकलना चाहिए आपके घर का पानी, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में जल की निकासी अगर होती है या जल आपके घर के बाहर निकलता है तो ये आर्थिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। दोस्तों जल की तो बात हुई, साथ ही साथ हम अपने घर पे जो चीजें रखते हैं या कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं वो भी हमारे जीवन पे बहुत बहुत असर करता है। मैं हर समय आपको बताती हूँ कि हर अमावस्या को घर साफ करें। इसका अर्थ ये होता है कि अपने घर के जाले आदि जो भी चीज़ें हैं, पुरानी टूटी फूटी चीज़ें हैं, इन सभी को निकाल के बाहर करें, घर को अरेंज कर लें, साफ सुथरा कर लें। घर में टूटे फूटे बर्तन कबाड़ जमा करके रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। टूटा हुआ बेड हो, टूटा हुआ पलंग हो, या तो उसको रिपेयर करा लें, या फिर अगर आपको आर्थिक तंगी है तो आप उसको निकाल के बाहर करें। इससे आर्थिक लाभ में नहीं तो कमी आती है, खर्चों में बढ़ोतरी होता है।
और बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, घर की छत होती है या सीढ़ी के नीचे की जो जगह होती है उन सभी में कबाड़ जमा करके रख देते हैं। पलंग के नीचे कितना कबाड़ जमा करते हैं, टान बनाकर टान के ऊपर कबाड़ जमा कर देते हैं। ये सभी चीज़ें धन वृद्धि में दिक्कत करती है, इसलिए कभी भी आपको कबाड़ घर में नहीं इकट्ठा करना चाहिए। दीवार पर जो चीज़ें लटकाते हैं जैसे धातु का सामान है, वो शयन कक्ष में जो आपका बेडरूम है उसमें कमरे के प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार के बाएं कोने पर धातु की कोई चीज़ आपको लटका कर रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये स्थान भाग्य और संपत्ति का क्षेत्र होता है और इस दिशा में दीवार में दरारें अगर हो तो उसकी भी आपको तुरंत मरम्मत करानी चाहिए। इस दिशा का कटा होना आर्थिक नुकसान का भी कारण होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वास्तु दोष घर में रहने वालों की सेहत और आय को प्रभावित करता है। वास्तु सही नहीं होने पर घर में मानसिक तनाव होता है, पारिवारिक संबंधों में दूरियां आने लगती है और वास्तु विज्ञान के अनुसार जो दिशा दोषपूर्ण होती है उस दिशा के अनुरूप अशुभ फल मिलने लगता है। वास्तु दोष के कारण आने वाली परेशानियों से बचने के लिए आपको सबसे पहला काम तो एक करना चाहिए, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में वास्तु दोष नहीं लगता और एक ओर यानी घर का जो मुख्य द्वार है उस पर दाईं ओर आप केले का पेड़ और बाईं तरफ तुलसी का पौधा लगा दें। आप देखेंगे आपके घर का वास्तु दोष में तुरंत कमी आती है। अगर घर के बाहर आपके लिए पौधा लगाना संभव नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे अक्षरों से एक तुलसी तो आप अपने घर की खिड़की पे रखी ले, बाकी अक्षरों से आप वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र और अक्षरों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। अक्षरों को स्वर और व्यंजन में विभाजित किया जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, और हर अक्षर का अपना एक अर्थ होता है। जैसे कि आ अक्षर होता है, इसका मतलब होता है वासुदेव, और ई का होता है आमना, ज का अर्थ होता है जय। इस तरह से हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। वास्तु में हम मानते हैं कि यदि आपको किसी परिस्थिति में किसी वास्तु को किसी चीज़ को पाने में या किसी व्यक्ति से जीतने में ऊर्जा और शक्ति की ज़रूरत है तो आप अपने शब्दों में ज शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आप देखेंगे जल्दी जल्दी, जय, इस तरह के विजय, इस तरह के ज शब्द का बार बार अपनी बोली में प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलता है। र अक्षर हम कहते हैं तो र अक्षर अग्नि का प्रतीक माना जाता है। अगर हम अपनी बातचीत में बार बार र अक्षर का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बदन का तापमान गर्म हो जाता है, गुस्सा जल्दी आने लगता है, इसलिए र शब्द का प्रयोग कम करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में हम ण अक्षर की बात करते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ण, यू वाला ण। यदि किसी परिस्थिति में आप निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे तो दीवार पर ये ण अक्षर लिख दें। इस कमरे की दीवार पे जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं और उसे बार बार देखने से आपके मस्तिष्क में निर्णय शक्ति जागृत होती है। दोस्तों क ख ग घ को उच्चारण करके देखिए, आपके मुंह के तालु से उत्पन्न होते हैं, और जबकि देखिए च छ ज झ य, इसी तरह से ट ठ ड ढ को उच्चारण करके देखिए, मुंह के साथ किसी और अंग से उच्चारे जाते हैं। तो इसी क्रम में ये हमारी वर्णमाला पिरोई गई है कि इसी क्रम में हम अल्फाबेट्स हैं उसका उच्चारण करते हैं। अब हम इन अक्षरों से, ये तो हुआ हमने अपने जीवन में जो बहुत थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर किए, लेकिन अब वास्तु दोष कैसे अक्षरों से दूर होते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों बहुत ही लवली वीडियो, बहुत ही चमत्कारी वीडियो है, इस वीडियो को बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही गुप्त बात है, ये बहुत ही रहस्यमय बात आज आपको बता रही हूँ, इसलिए सभी लोगों से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना आप। दोस्तों आज आपको एक बहुत ही रहस्यमय बात बताने जा रही हूँ, ये आप बहुत ध्यान से सुने और बहुत ही केयरफुली करें, है बहुत सिंपल चीज लेकिन लोग इसको यूज नहीं करते हैं। घर का उत्तरी भाग अगर है इसमें वास्तु दोष है आपका, यानी कि नॉर्थ पार्ट जो है घर का नॉर्थ, क्योंकि ये धन की दिशा है, आज हम पैसों की बात करें इसलिए सबसे पहले हम इसी दिशा की बात करेंगे। धन की दिशा है नॉर्थ दिशा और इसमें अगर वास्तु दोष है किसी प्रकार का तो इस दिशा में आप एक सादे कागज पर अ लिख करके चिपका दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, सफ़ेद कागज़ ले लीजिए, उस पर कोई भी कलर के पेन से आप ब्लू ब्लैक रेड कोई भी कलर के पेन से अ अक्षर लिख दें और चिपका दें।
इसी तरह से अगर आपके दक्षिण दिशा में या साउथ दिशा में वास्तु दोष है, तो दक्षिण दिशा में मौजूद वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको उस दिशा में म अक्षर लिख करके चिपका देना चाहिए। आप देखेंगे आपके घर से दक्षिण दिशा का वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में पूर्व दिशा में वास्तु दोष है, यानी कि ईस्ट साइड में वास्तु दोष है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्व दिशा में वास्तु दोष निवारण के लिए आपको इस दिशा में एक चंद्र बिंदु एक प्लेन कागज पर लिख करके आपको चिपका देना चाहिए। ध्यान रखें दिखाई देता रहे वो, ये जो भी अक्षर आप लिख रहे हैं। ध्यान रखें पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष है, तो इस दिशा में ऊ लिख करके आप चिपका दें। इस प्रकार से आपके घर से जिस प्रकार के भी वास्तु दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। धन बाधा को दूर करने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स भी बता देती हूँ, वो भी आप ध्यान रखें। जैसे आपकी जो शयन कक्ष की खिड़कियाँ हैं उसमें आपको क्रिस्टल बॉल्स हैंग करके रखने चाहिए, इससे टकरा कर जो रोशनी घर में आती है वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती है, जो आपके स्वास्थ्यवान बनाती है, आपको ऊर्जावान बनाती है। इससे आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही दिशा में करके लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसी तरह से आप एक दर्पण इस प्रकार लगाएं अपने घर पे जिसका प्रतिबिंब तिजोरी और धन रखने के स्थान पर हो, यानी कि नॉर्थ वॉल पर आपको ये दर्पण लगाना चाहिए या ईस्ट वॉल पर जिसमें आप जहाँ पे तिजोरी में धन रखते हैं वो दिखाई दे। ये व्यय को या धन के जो खर्चा है इसको कम करने में सहायक माना जाता है, इससे संचित किया गया धन भी बढ़ता है। साथ ही साथ अपने घर की छत पर या चार दीवारी के अंदर एक बर्तन में पानी और अनाज रखें जिससे पक्षियों को भोजन पानी मिलता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार जिस घर में पक्षी आते हैं अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, इससे धन संबंधी समस्याएं और उलझनें दूर होती है। दोस्तों अगर आपकी आय में बार बार बाधा आती है, मेहनत के अनुरूप धन लाभ आपको नहीं मिल पाता, तो अपने शयन कक्ष में यानी कि अपने बेडरूम में या घर की चार दीवारी के अंदर बाएं कोने में लेफ्ट साइड में आपको भारी चीज या कोई ठोस चीज रखनी चाहिए। धन बाधा को दूर करते हैं छोटे छोटे उपाय, घर में आप एक्वेरियम रख सकते हैं जिसमें काले और सुनहरे रंग की मछलियां हों, और ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखें, खास करके घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें और उसके आसपास की दीवारों पर रंग रोगन करवाते रहें। आपके घर में अगर आसपास नाला हो या बोरिंग हो तो घर के उत्तर पूर्वी दीवार पर आपको गणेश जी की एक तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों आज मैंने आपको बताए हैं धन के लिए किस प्रकार से आप नए नए उपाय करके वास्तु के उपाय करके सिर्फ एक अक्षर से अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। बहुत इनोवेटिव चीज है दोस्तों, गुप्त चीज है, और इस चीज को इस उपाय को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से जरूर शेयर किया करें ताकि सभी लोग इसका पूरा पूरा फायदा उठा सके, और हमें नहीं पता दोस्तों कौन सी वीडियो फिर किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।